नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल जनसंवाद। हर लेटेस्ट अपडेट व बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व प्रियंका गांधी के निजी सचिव के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के विरोध में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यालय पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशीष सिंह ने कांग्रेस नेताओं पर दर्ज की गई एफआईआर को तत्काल वापस लिए जाने की मांग भी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। आप लोग किस उद्देश्य से बैठे हैं यहाँ पे? आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जुझारू अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी की जो यूपी सरकार ने गिरफ्तारी की, उन पर जो मुकदमा लिखा, प्रियंका जी के निजी सचिव है संदीप सिंह जी, उन पर जो एफआईआर दर्ज की, झूठी एफआईआर है, और 1000 बसों की अनुमति की मांगों को लेकर हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कहा है कि 889 बसें हमारी सही पाई गई हैं, कम से कम उतनी बसें तो वो श्रमिकों भाई बहनों को दें ताकि वो अपने घरों तक पहुँच सकें। उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय अध्यक्ष, माननीय निजी सचिव पर मुकदमा दर्ज करके जो कायरतापूर्ण काम किया है, हम उसके विरोध में यहाँ पर बैठे हैं। और माननीय प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर, उनके नेतृत्व पर, उनके निर्देश पर जी जान से हम लोग लगे हैं पार्टी के लिए, अपने एक एक श्रमिक भाई बहन को अपने घर पहुँचाने के संकल्प।